के न्यूज़ चैनल एमपी, और आने वाला साल 2018 आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, खुशगवार हो। इन दुआओं के साथ कि आपका साल बहुत ही अच्छा हो, हमारी पूरी लाइफ ओके टीम की दुआएं आपके साथ हैं। और इन्हीं दुआओं के साथ आज एक ऐसी कलाकार, एक ऐसी फनकार हमारे बीच आई हैं, हमारे स्टूडियो में आई हैं लाइफ ओके न्यूज़ चैनल में, के जिनको सब जानते हैं, आई थिंक पूरे वर्ल्ड में उनको लोग जानते हैं। और रफ़ी साहब जैसे धुरंधर कलाकार के साथ उन्होंने अनगिनत शोज़ किए हैं और काफ़ी गाने गाए हैं प्लेबैक सिंगिंग में, तो हमारे स्टूडियो में आई हैं। आइए हम उनसे कुछ चंद सवाल जवाब करते हैं। उषा जी, आपको कैसा फील हो रहा है कि आपने 2018 में, जबकि गायकी का कोई क्लास नहीं रह गया है, और आपको इस दौर में रफ़ी साहब का अवार्ड मिला, व्हाट्स योर फीलिंग टू दिस, प्लीज़ टेल मी। कुछ कहने से पहले मैं उषा तिमोथी आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, लाइफ ओके न्यूज़ चैनल एमपी और उसके चीफ एडिटर हैं एम.जे. खान साहब, और बॉलीवुड एंड क्राइम रिपोर्टर गुड्डू खान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि लाइफ ओके चैनल एमपी पर मैं आऊँ और आप सबसे रूबरू हो सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। अच्छा, ये बताइए कि जो आपको इस साल में ये अवार्ड मिला 2018 नियर अबाउट, बिकॉज आफ्टर टू डेज 2018, तो व्हाट्स योर फीलिंग टू दिस? मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। इतना मुझे अच्छा लग रहा है कि इतने सालों के बाद में रफ़ी साहब जैसे महान गायक का मुझे उनके नाम का अवार्ड मिला है, और खुशी में मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। दीदी, ये बताइए कि रफ़ी साहब के साथ आप कब से काम कर रही थी, और कब उनसे आप ज्वाइन हुई उनकी कंपनी में जी। और आपने कितने सॉन्ग्स गाए उनके साथ में तकरीबन? गाने तो मैंने बहुत कम गाए, मैं नहीं कह सकती हूँ 20-25 गानों से ज़्यादा मैंने नहीं गाया उनके साथ में, लेकिन औरों के साथ मैंने सबसे ज़्यादा आशा जी के साथ गाने गाए, डुएट्स मुकेश जी के साथ, किशोरदा के साथ, और सुमन कल्याणपुर के मन्ना दा के साथ में, रफ़ी साहब के साथ में करीब 20-25 गाने मैंने गाए। और रफ़ी साहब से जब मैं मिली थी तो मैं सिर्फ 6 साल की थी, और एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था हमारे नागपुर में, मेरी पैदाइश नागपुर की है, और वहाँ पर रफ़ी साहब, मन्ना दा, हेमंत दा और मुकेश जी इस शो में आए थे, और उनके साथ कोई फीमेल सिंगर किसी वजह से नहीं आ पाई थी, कल्याण जी आनंद जी नाइट थी वो, और वहीं पर मुझे ये मौका मिल गया और मैंने रफ़ी साहब के साथ और सभी के साथ मैंने डुएट्स गाए, और बहुत ही पसंद किया गया, जबकि मैं सिर्फ 7 साल की थी उस समय। और उसके बाद रफ़ी साहब ने मुझे अपनी टीम में शामिल कर लिया, मुकेश जी ने अपनी टीम में शामिल कर लिया, फिर कल्याण जी आनंद जी भाई के साथ भी मैं काम करने लग गई। और जब मैंने पहला गाना रफ़ी साहब के साथ गाया, वो फिल्म थी हिमालय की गोद में, तू रात खड़ी थी छत पे मैं समझा के चांद निकला, उस समय मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी, और अचानक से मुझे कल्याण जी भाई का मैसेज मिला कि आज तुम गाना गा रही हो रफ़ी साहब के साथ में फिल्म पे। मैं तो एकदम बहुत एक्साइटेड थी कि अरे आज रफ़ी साहब के साथ मैं फिल्म में गाना गा रही हूँ, प्लेबैक सिंगर बन रही हूँ मैं आज। और इस तरह से कल्याण जी भाई ने मुझे कहा कि उषा, सामने शेर है, संभल कर गाना, अच्छी तरह से गाना, उन्होंने रफ़ी साहब को शेर कहा। और मैं एकदम सोचने लगी कि मैं तो 7-8 साल की एज से गा रही हूँ, तो मैं तो अच्छा गा लूँगी, और रफ़ी साहब तो मेरे अब्बा हैं। तो इस तरह से जब लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग का टाइम आया और मुझे माइक फेस करना पड़ा, तो मैं एकदम घबरा गई, इतनी डर गई कि मुझे सच में रफ़ी साहब शेर लगने लगे, और और छोटी तो थी मैं, और रफ़ी साहब समझ गए कि रिहर्सल पर अच्छा गा रही थी, अब क्या हुआ इसको माइक पर, तो मुझे धीरे से कोने में एक लेकर के और मेरे सर पे हाथ रखा, बेटा क्या बात हुई बता दो। मैंने कहा साहब, कल्याण जी भाई आपको कह रहे कि आप तो शेर हैं, तो बोले किसने कहा शेर, नहीं 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 मैं शेर वेर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा अब्बा हूँ। और मेरे सर पे उन्होंने हाथ रखा और कहा खूब जम के गाओ, अच्छी तरह गाओ, देखो पहला गाना है, अगर ये हिट हो गया तो तुम बहुत नाम कमा लोगी, और तुम मेरी अकेली स्टूडेंट हो तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी कि तुम्हारा नाम हो जाए। और इस तरह से साहब ने मेरे सर पे जो हाथ रखा वो आज तक मैं महसूस करती हूँ कि उनका मेरे सर पर हाथ है। वेरी नाइस, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका उस गाने के लिए जी। तो जो आपने और भी सॉन्ग्स गाए हैं उसके अलावा किशोर दा के साथ और
मुकेश जी के साथ कौन से सॉन्ग्स हैं वो आप उसका ब्यौरा दे सकती हैं प्लीज़? जी हाँ जी हाँ, मुकेश जी के साथ मैंने विश्वास, परिवार, कल सुबह इन फिल्मों में गाया, किशोरदा के साथ अनोखा और कहानी किस्मत की, कैद, इन सब फिल्मों में गाने गाए, मन्नादा के साथ राम राज्य में गाने गाए, एस एन त्रिपाठी साहब के गाने बहुत सारे उनके साथ भोजपुरी फिल्म्स में गाए, आशा जी के साथ मैंने कम से कम 80 सॉन्ग्स गाए, 80 गाने मैंने गाए हैं एज ए प्लेबैक सिंगर। हाँ, एज ए प्लेबैक सिंगर। गानों के अल्फाज बता सकते हैं? हाँ हाँ, गाने बहुत सारे रफ़ी साहब के साथ जो गाए वो बताती हूँ। छत पे नहीं मैं समझा के चांद निकला, क्या बात है। ये गाना रफी साहब के साथ पहला ही गाना। दूसरा गाना था मेरा नैन से नैन मिला चैन चुराया तुमने, छीन कर मुझसे मुझे अपना बनाया तुमने, नैन से नैन मिला, ये गाना था रफी साहब के साथ में। और जोरो फिल्म में गाना गाया था मैंने, दिल वालों से प्यार कर लो, प्यार के नाम का जाम भर लो, प्यार करेगा तुमसे अल्लाह अल्लाह, क्यों जमीन इंशाल्लाह, क्यों अब्दुल्ला माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस दीदी। और आपकी आवाज़ में अभी भी कशिश है जो न्यू कमर्स में नहीं है, जो आजकल है। वेरी वेरी नाइस वॉइस, आई लाइक इट वेरी मच। और वैसे भी मैं आपका फ़ैन हूँ, और आज आपको मैं सामने गाते देख रहा हूँ हमारे स्टूडियो में, तो मतलब वी आर लकी कि आप हमारे साथ हैं। लाइफ ओके से आप जुड़ी हुई हैं एम पी के चैनल से, और आपने किशोरदा के साथ भी गाया, रफीज साहब के साथ, मुकेश के साथ मेरा एक गाना बड़ा फेमस हुआ, अरे रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, ये गाने में मैंने डायलॉग्स बोले थे। गुड, वेरी नाइस। डायलॉग भी आसान नहीं था वो, क्योंकि किशोरदा जी भी एक अच्छे बड़े प्लेबैक सिंगर थे, क्योंकि किशोरदा भी नंबर वन सिंगर थे और बड़े कलाकार थे किशोरदा। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके साथ भी गाना गाना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जी, जी, जी। तो अभी ये बताइए, आप आने वाले जो सिंगर्स हैं, हाँ जी, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगी कि क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, और अभी भी सिंगर्स अच्छा गा रहे हैं, पर कुछ कमी महसूस करती हूँ मैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के वो उन धुनों में। शायद मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स ज़रा ज़्यादा हो गया है, इस वजह से वो रूहानी जो बात थी रफ़ी साहब के, लता जी के गानों में या मन्नादा, इन सब के गानों में, वो आज मैं कमी महसूस कर रही हूँ। और मुझे आर डी बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी भाई या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इन सब, ये मदन मोहन साहब, सी रामचंद्र जी, ये सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ भी मुझे गाने का मौका मिला, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि मैं गोल्डन इरा की आर्टिस्ट रही हूँ। और मेरा ये गाना भी बहुत फेमस हुआ, जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि लता जी और आशा जी जैसे महान दिग्गज गायिकाओं के होते हुए मुझे कुछ गाने फिल्म्स में गाने का मौका मिला, और मेरे गाने हिट भी हुए, और मैंने रफ़ी साहब से 20 साल तक सीखा, और 20 साल तक मैंने उनके साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड शोज़ किए, और हर जगह मैं गई हूँ, और उनका बहुत आशीर्वाद मेरे साथ रहा। और मैं क्लासिकल में मैंने हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ गायिका का अवार्ड लिया, प्रेसिडेंट अवार्ड मैंने लिया है, और बहुत कुछ मैंने, काफ़ी अवार्ड्स लिए। रफ़ी साहब का अवार्ड तो मुझे अभी मिला, लेकिन लास्ट ईयर मुझे किशोर कुमार अवार्ड से नवाजा गया, वो भी एमपी इंदौर में। वेरी नाइस। और मन्नादा के साथ मैंने फिल्म हमराही में एक कवाली गाई थी जो बहुत ही फेमस हुई थी, अब ये छोड़ दिया है तुझ पे चाहे जहर दे या जाम दे, ये कवाली थी। अजीज नाजा साहब के साथ मैंने बहुत काम किया, और सभी कलाकारों के साथ, महेंद्र कपूर साहब के साथ भी, और जितने शंकर जयकिशन नाइट्स मैंने बहुत ज़्यादा किए ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आर डी बर्मन नाइट्स बहुत ज़्यादा किए, और हर तरह से मुझे फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत बहुत रिस्पेक्ट दिया, और मैं अपनी फिल्म लाइन की बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि उन्होंने मुझे, और आज तक मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में प्रोग्राम्स कर रही हूँ। अभी मैं कनाडा और यूएस के टूर से होकर आई हूँ और अभी भी गा रही हूँ और काफ़ी अच्छा मेरे लोगों का रिस्पांस है मेरे लिए। आगे किस एक साल तक मेरे पास काफ़ी काम है इस वक्त। अल्लाह का शुक्र है कि आपके पास काम है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आपके पास हमेशा काम रहे। जी, हमेशा आप मसरूफ रहें, बिजी रहें, क्योंकि आपको बिजी रहने का हक है। क्योंकि आपके पास गायकी है और काफ़ी कुछ है जो शहनशाह गायकी रफ़ी साहब आपको देकर गए हैं। जी जी बिल्कुल। और शहनशाह गायकी रफ़ी साहब जिनका नाम लेके आज आपने उनका नाम रोशन किया है, क्योंकि एक तो उनका कोई शागिर्द है नहीं अलावा आपकी, और आप इकलौती उनकी शागिर्द हैं और आपने रफ़ी साहब का नाम बहुत उजागर किया है। और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि रफ़ी साहब का नाम जिंदा है आज। जी जी। यहाँ तक कि मैं ये बात कर रहा हूँ नेशनल लेवल पर कि नेशनल लेवल पर ये बात है कि ये शाहिद भाई भी नहीं पहुँच पाए वहाँ पर या कहीं पर नहीं पहुँच पाए गायकी में, और उनकी गायकी की दुनिया को आपने संभाल कर रखा, आपने संभाल कर रखा। रफ़ी साहब का नाम आपसे जिंदा है क्योंकि आपने उसे सीखा है। जी जी। और आपके उस्ताद थे वो और काफ़ी आपके गाइडेंस भी रहे हैं। जी हाँ, साथ में, और साथ में उन्होंने मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया था। ये सब बहुत मेरी खुशनसीबी है कि साहब मुझे इतना ज़्यादा मिस्टर मिसेस रफ़ी दोनों की मैं बात कर रही हूँ कि बहुत प्रोटेक्शन देते थे, कभी मुझे अकेले कहीं जाने नहीं देते थे पूरे वर्ल्ड में। मैंने साहब के रहते हुए कभी अमेरिका में उनके साथ करीब 36 बार गई होंगी, लेकिन फिर भी मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं देखा था क्योंकि साहब मुझे जाने ही नहीं देते थे बाहर किसी के साथ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उस वक्त उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया, संभाला। फिल्म इंडस्ट्री में भी किसी की मजाल नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव करे या गलत बात करे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि उस समय के सारे ही म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सॉन्ग राइटर्स और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जितने भी हैं, सब लोग बहुत अच्छे से मुझसे मिलते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे। मैं उनका बड़ी शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, आप शहनशाह गायकी रफ़ी साहब के नाम को आपने संभाल के रखा है। इस बात का हम लाइफ ओके टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आप स्टूडियो में आई, आपने हमको इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। और आखिर में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आने वाले साल 2018 के लिए और हमारी लाइफ ओके टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लाइफ ओके न्यूज़ चैनल की जो टीम, बिल्कुल लाइफ ओके न्यूज़ चैनल की एमपी की जो टीम है, उसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं कि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वो मशहूर हो जाए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।